टीम इंडिया के खिलाड़ियों की कमाई आज के दिनों में करोड़ों में है। हालांकि यह बदलाव 1983 में भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही आया था। 1983 में भारत ने अपना पहला विश्व कप जीता था। इस खिताबी जीत के बाद से भारतीय क्रिकेट बदल गई। भले ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आज दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, लेकिन 1983 के हालात अलग थे। कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप विजेता टीम को मात्र 1500 रुपये मैच फीस के रूप में और दैनिक भत्ते के रूप में प्रतिदिन मात्र 200 रुपये ही मिलते थे। उप कप्तान, कप्तान और यहां तक कि टीम मैनेजर सहित सभी को समान राशि मिलती थी। आईसीसी की पहली ट्रॉफी जीती तो उस वक्त टीम इंडिया को इनाम के तौर पर करीब 66,200 पाउंड यानी करीब 9,93,000 रुपए मिले थे। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि जब खिलाड़ी खिताब जीतकर वापस आए थे तो बीसीसीआई के पास उन्हें इनाम के तौर पर देने के लिए पैसे ही नहीं थे। ऐसे में महान गायिका लता मंगेशकर ने एक कंसर्ट के जरिए 20 लाख रुपए जुटाए थे। तब टीम इंडिया के सदस्यों को 1-1 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिले थे। 1983 के बाद भारत ने दूसरा वनडे वर्ल्ड कप 2011 में जीता था। इस विश्व कप में कुल इनामी राशि 75.95 करोड़ रुपए थी। इसमें 22.78 करोड़ रुपए विजेता टीम को दिए गए थे, जबकि 11.39 करोड़ रुपए उप विजेता टीम को दिए गए थे। इसके बाद बीसीसीआई ने भी खिलाड़ियों पर खूब पैसे लुटाए और पहले 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया था। जब खिलाड़ी खुश नहीं हुए तो 2 करोड़ रुपए कर दिए गए। वहीं सपोर्ट स्टाफ को 50-50 लाख रुपए दिए गए थे। आज के समय में विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों की कुल सैलरी 7 करोड़ रुपए सालाना है। इन खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच खेलने के लिए 15 लाख रुपए मैच की फीस मिलती है। वनडे में यह 6 लाख रुपए और T20 में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के लिए।